गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्डिंग गुड गाइज। सो आज का वीडियो होने वाला है होली स्पेशल कुर्ती हॉल। आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही कलरफुल कुर्तीज जो मैंने स्पेशली पिक करा होली के लिए। एंड गर्मी भी आ गई है गाइज, तो सारे कॉटन मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत कलरफुल भी है। और आज मैं दिखाऊंगी आपको बंधेज कुर्ती, जो कुछ लोग बांधनी कुर्ती भी कहते हैं। सो बंधेज कुर्ती जो होती है वो गर्मियों के लिए परफेक्ट होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है एंड बहुत लोग बहुत उसे पसंद भी करते हैं। मैं भी बहुत गर्मियों में वेयर करती हूँ। सो मैं लेकर आई हूँ मिंत्रा से बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की कुर्तीज, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एक बंधेज कुर्ती हॉल मैंने बनाया था मीशो से लास्ट ईयर, जो 600-700 रुपीज़ के अंडर थी, बट उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो थी। एंड ये 1000 रुपीज़ के अंडर इसकी क्वालिटी थोड़ी अप है, थोड़े से 100 रुपये मैंने ज़्यादा लगाए हैं, बट क्वालिटी बहुत ही सुपर फाइन है। बट अगर आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहे हो तो ये हॉल आपके लिए परफेक्ट है। 1200 रुपीज़ आप ज़्यादा लगा सकते हो तो ये कुर्ती बहुत अच्छी है। बट अगर आप 700 के अंडर लेना चाहते हो तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करना। वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बंधेज कुर्ती दिखाए थे, मैंने सारी कुर्तीज को स्टाइल करके भी दिखाया है। एंड जितनी ज्वेलरीज हील्स जो भी मैंने पहने हैं सब मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊंगी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साइज वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगी वीडियो में ही, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखे। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट आइटम इज वेरी ब्यूटीफुल पिंक एंड व्हाइट प्रिंटेड एलाइन कुर्ता, हैज़ अराउंड नेक, थ्री क्वार्टर स्लीव्स एंड फ्लेयर हेम। सो गाइज ये बेल्ट के साथ आती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेल्ट इस पे मिल रही है, गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ। एंड सेम बेल्ट का डिज़ाइन आपको नेकलाइन पे भी मिल रही है। सो नेकलाइन इसका मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि उस पर प्लेन भी दिया हुआ है एंड बेल्ट पे आपको ऑरेंज टैशल भी मिल रही है। कुर्ती पे ऑरेंज, पिंक पे ऑरेंज है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत खिलकर आ रहा है। बंधनी में ऑरेंज पिंक का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत बढ़िया लगता है। मटेरियल कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। घेर भी कुर्ती की काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हो घेर भी बहुत अच्छी है, साइज भी बहुत अच्छी है। एंड इस पे मैंने गोल्डन पैन पहना है, आप वाइट भी पहन सकते हो या फिर जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। सो मैंने इस पे लोबन रखा है एंड ये नेक सेट पे नेक पीस पहना है, इयररिंग और ये सेट जो मीशो से है। जो लिंक मुझे मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी सारी। सो आपको कैसे लगी आप कॉमेंट में ज़रूर से बताना। मुझे कुर्ती सेट बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे वैसे भी बेल्ट वाली कुर्तीज बहुत प्यारी लगती है। आप दुपट्टा लेकर भी ऊपर से बेल्ट लगा सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, कॉटन मटेरियल है, गर्मियों के लिए परफेक्ट है एंड होली के लिए लुक तो एकदम परफेक्ट है गाइस। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस नेवी ब्लू एंड पिंक बांधनी प्रिंटेड एलाइन कुर्ता है। इस पर मेरा साइज मीडियम है। सो गाइज करंट इसका प्राइस 696 रुपीज़ है, मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव ये मिली बट अभी इसका प्राइस काफ़ी कम है तो आप चेक कर ले। इसका मटेरियल कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है एंड पिंक ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन की कुर्ती है गाइज, जो बहुत अच्छी कलर है, बहुत प्यारी लग रही है। एंड मटेरियल इसका इतना अच्छा है कि जब आपको रिसीव होगा तब आपको समझ में आएगा कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया मटेरियल है। इस पर मैंने ओपन हेयर रखा है एंड एक नेक पीस डाली है, पिंक जूती डाली है। बहुत ज़्यादा यू नो नेक पीस मैंने पहनी है, अगर आपको चोकर वगैरह पहनना है तो आप लो बन कर लें या बन कर लें तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। काफ़ी अच्छी कुर्ती है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, हाईली रिकमेंड करूंगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट पे मुझे ज़रूर से बताएं। आइटम है दिस बांधनी प्रिंट राउंड नेक रेगुलर स्लीव्स अनारकली कुर्ता। सो ये भी अनारकली कुर्ता है, इसका जो कलर है लाइट पिंक है एंड इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। एंड इसका जो मटेरियल है गाइज, इसका मटेरियल सिल्क है, ये कॉटन नहीं है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी की ये कुर्ती सेट है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही लाइट कलर है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल कुर्ती है। और इस पर मैंने मैचिंग दुपट्टा डाला है, येलो कलर का दुपट्टा मेरे पास था इसलिए मैंने इस पर डाल दिया। गोटा पट्टी डिटेलिंग आपको नेकलाइन पे मिल रही है, स्लीव्स पे मिल रही है। इस पे ओपन हेयर रखा है मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो चोकर वगैरह मुझे हाईलाइट नहीं करनी थी और नेकलाइन पे भी ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं टाई करके दिखाऊं। सो यहाँ पे जो इयरिंग्स पहने हैं माई ज्वेलरी कलेक्शन पे आपको मिल जाएगी और हील्स के लिए आपको माई हील्स कलेक्शन पे मिल जाएगी। आपको कैसे लगे आप कॉमेंट में ज़रूर से बताएं। इस पे मेरा साइज मीडियम है और कुर्ती बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है तो इसका टेंशन नहीं है, हाईली रिकमेंड करूँगी।
नेक्स्ट कुर्ती इज इज वेरी ब्यूटीफुल मैजेंटा पिंक एंड गोल्ड टोन एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली कुर्ता, हैज अ राउंड नेक, थ्री क्वार्टर स्लीव्स एंड फ्लेयर हेम है। मटेरियल 100% कॉटन है, बहुत सुपर फाइन मटेरियल है, बहुत अच्छी मटेरियल लगा है जिसका, एंड आप देख सकते हो लेंथ काफ़ी है, तो इस पर आपको हील्स पहनने पड़ेंगे। एंड अगर आपकी हाइट कम है तो ये लाइक अनारकली कुर्ती बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और इस पर वर्क करा जरी का वर्क, नेकलाइन पे किया हुआ है, गोटापट्टी डिटेलिंग आपको स्लीव से मिल रही है, कुर्ती के एंड पे मिल रही है, सो डिफरेंट बांधनी लहरिया काइंड ऑफ मिक्स प्रिंट है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इसका बैक बहुत ब्यूटीफुल है, इस पर आपको डोरी मिल रही है एंड की होल नेक डिटेलिंग मिल रही है। आप मिंत्रा के पेज पे भी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से दिखाया है। जो कुर्ती आपको मिंत्रा के पेज पे दिख रही है सेम एज इट इज आपको मिल रही है, हाईली रेकमेंड करूंगी। मेरा साइज मीडियम है एंड इसको मैंने स्टाइल करा है बन के साथ, लो बन के साथ, और मल्टी कलर की इयररिंग्स मैंने इस पे डाली है। सो मैंने इस हॉल में डिफरेंट डिफरेंट लाइक ओपन हेयर, टाई हेयर, चोकर, नेक पीस सब कुछ ट्राई करा है। लाइक आपको जो भी पसंद है आप डिफरेंट डिफरेंट चीज ट्राई कर सकते हो, कभी बंद लो बन कर लो, मेसी बन कर लो, कभी ओपन हेयर पे ट्राई कर लो। सो डिफरेंट ट्राई करोगे तभी आपको समझ आएगा कि आप पे कौन सी लुक अच्छी लग रही है। कैसी लगी कमेंट पे जरूर से बताना। माई नेक्स्ट आइटम इज ग्रीन एंड व्हाइट प्रिंटेड अनारकली कुर्ता, हैज़ अ राउंड नेक, थ्री क्वार्टर स्लीव्स, फ्लेयर हेम है एंड मटेरियल इसका कॉटन है। सो इस पे दुपट्टा मैंने खुद का वेयर करा है एंड इस पे मैंने व्हाइट प्लाजो डाला है। हील्स की लिंक आपको माई हील्स पे मिल जाएगी गाइज, एंड ज्वेलरी की लिंक आपको माई ज्वेलरी कलेक्शन पे मिल जाएगी। सो इस कुर्ती का बेस्ट पार्ट मुझे लगा इसकी नेकलाइन, लाइक नेकलाइन आप देख सकते हो कि प्लेन कलर पे दे दिया और उस पे आपको मिरर वर्क मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा कुर्ती को अच्छी लुक दे रही है। प्लेन एंड बंधनी दोनों चीज़ हो जा रही, थ्री क्वार्टर स्लीव है, फ्लेयर काफी अच्छी है, मटेरियल कॉटन है, बहुत कंफर्टेबल है। इस पे मैंने खुद का दुपट्टा वेयर करा, मेरे पास सेम मैचिंग दुपट्टा था तो दुपट्टा इसका लुक बहुत इनहेंस कर ले रहा है। मैचिंग हील्स थी तो मैंने वो पहन ली, और इसको इस पे मैंने लो बन करा है क्योंकि मैंने चोकर डाला है एंड इयररिंग्स डाले हैं, तो थोड़ा मुझे इयररिंग्स से चोकर हाईलाइट करनी थी इसलिए मैंने बाल को बांधा है। अगर आप इतना हाईलाइट नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ आप चोकर इयररिंग्स पहन सकते हो, ओपन हेयर के साथ जा सकते हो। साइज मीडियम है, हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत यूनिक कलर है, समझ के परफेक्ट है, होली के लिए परफेक्ट है। और आपके पास अगर कुछ मैचिंग हील्स है ना तो आप भी कुछ मैचिंग नेक्स्ट आइटम इज फूशिया पिंक स्ट्राइप स्ट्रेट कुर्ता विद एम्ब्रॉयडर्ड डिटेलिंग, हैज़ अ राउंड नेक, थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्ट्रेट हेम है, साइड स्लिट के साथ है, 100% कॉटन मटेरियल है, साइज मेरा मीडियम है। सो गाइज यही कुर्ती है जो स्ट्रेट है और ये मतलब काफ़ी यूनिक है, ये मैं इसे बंधनी नहीं कहूँगी, ये लाइक लहरिया काइंड ऑफ प्रिंट है। सो मैंने इस हॉल में ऐड कर दिया क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, तो येलो एंड गोल्ड का लेस लगा हुआ है जो आप नेकलाइन पे देख सकते हो, इसका नेकलाइन बहुत ब्यूटीफुल है और जितने भी बटन्स आपको कुर्ती पे दिख रहे हैं लाइक सारे के सारे ओपन होते हैं, तो आप ओपन करके इसे एक अंदर स्पेगेटी डाल के भी वेयर कर सकते हो या कुर्ता के ऊपर से भी वेयर कर सकते हो, वाइट कुर्ता, येलो कुर्ता, पिंक कुर्ता, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कलर बहुत खिलकर आ रहा है। सो इस पर मैंने ये क्योंकि लाइट पिंक और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन है इसलिए मैंने इस पे ये डार्क कलर की जूती डाली है, आप वाइट भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर से बताना। काफी कंफर्टेबल है, जिनको स्ट्रेट कुर्ता पहनना पसंद है उनके लिए तो परफेक्ट कुर्ती सेट है। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस मस्टर्ड येलो बांधनी प्रिंट ए लाइन कुर्ता, इस पर मेरा साइज मीडियम है, राउंड नेक के साथ है गाइस, सामने को प्लीट्स बनी हुई है पतली पतली सी और थ्री क्वार्टर स्लीव है, फ्लेयर हेम है और इसका जो मटेरियल है कॉटन है। और मैं पहले बता दूं गाइस, इसका मटेरियल तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना बटरी काइंड ऑफ कॉटन मटेरियल है कि मैं मटेरियल के फैन हो गई, बहुत अच्छी लगेगी। आप गर्मी में जब इसे वेयर करोगे ना बहुत कंफर्टेबल लगेगी, लाइक कितना भी धो पहनो वाला मटेरियल है, ये ख़राब नहीं होने वाला है। इस पर मैंने येलो इयररिंग्स पहने हैं, बहुत लो बन रखा है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग इस पर नहीं करी है, बट इयररिंग्स की लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, ये शीन से है। आप चाहो तो कोई भी सिल्वर ज्वेलरी या फिर कोई भी येलो ज्वेलरी डाल सकते हो, कॉलेज के लिए परफेक्ट है, ऑफिस के लिए परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया कुर्ती है, हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड मेरा साइज सारी कुर्तीज़ पे मीडियम है गाइज।
ओके गाइस, सो नेक्स्ट हॉल भी होली रिलेटेड कुर्ती सेट आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, बगल के बेल आइकन को हिट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए, और पसंद आए तो कमेंट जरूर से करना, लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।